इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको दे दें। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोल दिया है। राम मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने अखिलेश यादव को घेर लिया और उनकी पार्टी को हिंदू विरोधी बताया। इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इंडी गठबंधन में अखिलेश की भागीदारी पर भी तंज कस दिया है। मंदिर द्रोही समाजवादी पार्टी, राम द्रोही समाजवादी पार्टी, हिंदू द्रोही समाजवादी पार्टी, कल्कि धाम द्रोही समाजवादी पार्टी, वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी दुकान में सौदा नहीं है, वो बंद हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुपारी ले दी है। अखिलेश यादव जी को हिंदुओं का एक भी वोट पड़ना बड़ा मुश्किल। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है न्यूज 18 इंडिया पर। आपको बता दें, टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने एक बार फिर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी है। कल्याण बैनर्जी ने पश्चिम बंगाल के हुगली में एक सभा में संबोधन के दौरान उपराष्ट्रपति का दोबारा अपमान किया और उनकी मिमिक्री उतारी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। संबोधन के दौरान कल्याण बैनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करते हुए इसे मौलिक अधिकार बताया और साफ तौर पर कहा कि वो एक बार नहीं बल्कि हजार बार मिमिक्री करेंगे। इससे पहले 19 दिसंबर को राज्यसभा के बाहर तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बैनर्जी ने पहली बार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी थी और उस दौरान वहां मौजूद विपक्ष के नेता उनकी मिमिक्री के दौरान हंसते हुए दिखाई दिए थे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो कल्याण बैनर्जी की इस हरकत का वीडियो तक बनाया था, जिसके बाद एक बार फिर रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान कल्याण बैनर्जी ने वापस अपनी इसी हरकत को दोहराते हुए उपराष्ट्रपति की मिमिक्री भी कर दी। और देखिए, ये पहली बार नहीं है जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी हो। इससे पहले 19 दिसंबर को सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद के बाहर सांसद जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इसी दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी उपराष्ट्रपति की नकल उतारने लगे। वहीं इस दौरान कई अन्य सांसद हंसते हुए नजर आए, जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उनका वीडियो भी बनाते हुए देखे गए। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दो तस्वीर एक रविवार के कार्यक्रम की है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर ये है क्या और क्यों ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसकी वजह से क्यों सियासी बवाल मचा हुआ है। एक एक करके आपको समझाते और बताते। देखिए, टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने उपराष्ट्रपति की फिर से मिमिक्री कर दी है। बंगाल के हुगली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नकल उतारी। नकल उतारने को उन्होंने मौलिक अधिकार भी बताया और ये पहले भी वो कहते रहे। टीएमसी नेता ने एक नहीं हजार बार मिमिक्री करने की बात कही है, ये पहले भी कर चुके हैं। 19 दिसंबर को संसद के बाहर भी उनकी नकल उतारी गई थी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। जगदीप धनखड़ काफी नाराज हुए थे कि आखिर पद की कोई गरिमा होती है जिसका सम्मान होना चाहिए।